नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां हम आपको दिखाएंगे हर राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें और लाइक करें ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले मिले आपको। एसीबी टीम के किशनगढ़ बास थाने में कार्रवाई। थाने के एएसआई और दलाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ के अटैक। किशनगढ़ बास थाने में बुधवार सुबह एसीबी की कार्रवाई से पूरे थाने में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक पुलिस कार्मिक पर यह कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस थाने में एसीबी की टीम कार्रवाई करने में जुटी हुई है, तो वहीं कार्रवाई की सूचना लगते ही पुलिस थाने के ज्यादातर पुलिस कर्मियों के फोन स्विच ऑफ है। एडिशनल एसपी एसीबी पीयूष दीक्षित ने बताया कि किशनगढ़ बास थाने के एएसआई दारा सिंह द्वारा भैंस चोरी के मामले में आरोपी का नाम प्रकरण से निकलने की एवज में 30,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष ने इसकी शिकायत एसीबी को की। इस पर एसीबी के एडिशनल एसपी पीयूष दीक्षित ने द्वारा शिकायत का सत्यापन करवाया और प्रकरण में एएसआई दारा सिंह से 25,000 रुपये की राशि और दलाल लल्लू से 5,000 रुपये की राशि बरामद कर कार्रवाई को अंजाम दिया। गौरतलब है कि किशनगढ़ बास थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध भैंस चोरी का मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें किशनगढ़ बास थाने के सहायक उपरीक्षक दारा सिंह द्वारा जांच के दौरान आरोपियों को निकालने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। प्रतिवादी है सरपुद्दीन खान, उन्होंने हमें लिखित शिकायत दी थी कि किशनगढ़ थाने के ऊपर मुकदमा संख्या 12/24 भैंस चोरी का दर्ज हुआ है अज्ञात चोरों के खिलाफ। उसमें प्रतिवादी सरपुद्दीन खान के भाई साहबुद्दीन को झूठा फंसाने से बचाने के लिए यहाँ पर जो आईओ हैं एएसआई धारा सिंह, वो इनसे रिश्वत की मांग कर रहे थे। हमने डिमांड का वेरिफिकेशन कराया तो 30,000 रुपये इन्होंने डिमांड करी एएसआई धारा सिंह ने। हमने उस वेरिफिकेशन के आधार पे आज ट्रैप प्रोसीडिंग्स को अंजाम दिया है यहाँ किशनगढ़ बास थाने के ऊपर, जिसमें इनके जो एएसआई के दलाल हैं लल्लू खान, उन्होंने 5,000 रुपये और 25,000 रुपये एएसआई धारा सिंह ने लिए। अलग अलग दोनों की जेबों से इसकी रिकवरी की गई ट्रैप राशि की और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। रंगे हाथों परसों। और मुकदमा कब दर्ज हुआ था चोरी का? मुकदमा ये दिनांक 7 तारीख का दर्ज है, 17 तारीख, 17 जनवरी। डिमांड 30 की थी, 50 की थी? 7 तारीख है सर, ये 7 तारीख 7 जनवरी का दर्ज है। सर इनके साथ कोई दलाल भी है? हाँ, उसका हमने गिरफ्तारी, उसको भी हमने 5,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है। तो 30,000 में से 5,000 रुपये दलाल की जेब से बनावा दूंगे, 25,000 रुपये एएसआई की जैकेट की जेब से बरामद हुआ। एएसआई दारा सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये डीग के रहने वाले हैं, डीग इलाके। कब से कार्यरत हैं? अब ये तो मालूम करना पड़ेगा मुझे। सर दलाल निवासी कहाँ के हैं? लल्लू खान जो है ये खोआबास तहसील थाना किशनगढ़ बास के, और धारा सिंह जो है ये थाना खो पुलिस थाना खो तहसील व जिला डीग। और जो परिवादी सर? परिवादी सरपुद्दीन यूसुफ खान, ये हैं चोर बसई किशनगढ़ बस। परसों शिकायत दी थी सर? परसों लिखित शिकायत दी।